बट श्रुति को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मुनावर को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, बट अगर दोनों में ऑप्शन अगर चूज करना रहा तो मैं एक अपना 100% दूंगा श्रुति को। जीशान खान ने किया नागिन 6 का अपकमिंग ट्विस्ट रिवील। श्रुति झा को बताया जीशान खान ने खतरों के खिलाड़ी 12 का विनर पर नागिन 6 के नेवले और लॉकअप फेम जीशान खान आज हुए हमारे कैमरा में कैप्चर। जीशान खान नजर आए जुहू इलाके में अपनी गर्लफ्रेंड रियाना पंडित के साथ। जीशान ने यहां पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की डेथ पर दुख जाहिर किया। इतना ही नहीं, जीशान का कहना है कि खतरों के खिलाड़ी 12 तो श्रुति झा ही जीतेगी। इसके अलावा जीशान ने दिया सभी नागिन फैंस के लिए एक बड़ी खबर। जीशान का कहना है कि शो में जल्द आने वाला है एक लीप। जी हाँ, आइए आप भी देखिए। नागिन में अब लीप हो रहा है, सो इट बी मोर फोकस्ड ऑन जो घर में लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि एज एवरीवन नोज वो जो बड़ी महामारी जो हुई थी वो अभी फाइनली खत्म हो चुकी है। सो यस, आप लोग प्लीज फिर भी देखते रहना नागिन। एंड या बट समथिंग बहुत एक्साइटिंग चीजें आ रही है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए। बस जैसे ही मैं लॉकअप से निकल के मैं यही चीज कह के आई गेव यू ऑल द न्यूज ऑफ नागिन, मैं आपको जल्द ही कुछ और भी अच्छी खबर देने वाला हूँ। प्लीज आप देख रहे खतरों के श्रुति। यस यस, 110% श्रुति श्रुति श्रुति। फॉर आई लाइक एरिका पाकेट आल्सो, आई लाइक हर फॉर हर सेंस ऑफ ह्यूमर। And these two girls, I think, are going to kick ass this show. These two girls are to watch out for. What about you? For me, obviously, मैं तो support. What the hell? Who? Obviously, मैं support करूँगी, इसी को support करूँगी. इसी को and सबसे of course, I don't know about Erica Packard, but श्रुति को मैं support कर रहा हूँ. मुनावर को भी support कर रहा हूँ, but अगर दोनों में option अगर choose करना रहा तो मैं एक अपना 100% दूंगा श्रुति को, बिकॉज शी इज बिन विद मी सिंस द वेरी बिगिनिंग। जब से मैं कुमकुम में आया, शी इज बिन अ वेरी गुड फ्रेंड एंड यार नहीं केड, या शी हैज टॉट, आई हैव लर्नड सो मच आउट ऑफ हर। शी इज द स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट गर्ल आई हैव मेट, एंड अपार्ट फ्रॉम यू बेब, आई कैन नेवर बी जेलस ऑफ श्रुति। ऑफ कोर्स शी इज एन एब्सोल्यूट डार्लिंग, शी इज एन एब्सोल्यूट डार्लिंग। बट यस, मैं अगर एक पर्सन को सपोर्ट कर रहा हूँ वो है श्रुति, and I hope, pray, and I know that she's going to win this show because she is a daring person. The latest news jo maine suni, and second is KK, very disheartening, and you know the guy who gave us a song jisse hum relate kar pate the, you know most of the actors could relate to those words and the lyrics, you know hardship mein we would listen to those songs, so it's of course it's saddening, and you know back to back two sad news, but yes, I what we can do is just hope their soul rests in peace. Yeah, what do you want? You know, for me, I mean, obviously I'm sad ke, you know, Sidhu Moosewala and KK ji, both we lost such amazing people. But you know what, meko dard hua dono ke liye, of course. Sidhu Moosewala ka, I was extremely shocked because I started listening. Main ek person hu jo, you know, who's always into like hip-hop and this and that, and प्रॉपर हार्ड कोर पंजाबी हिप हॉप, हार्ड कोर पंजाबी रैप मैंने सिद्धू मूसेवाला जी के वजह से ही सुनना चालू किया था यार। He was killed यार। KK, what I, shot. You know, when I was watching KK's performance, मुझे ऐसा लगा कि वो अपने काम से इतना प्यार करते होंगे कि उनकी लाइफ भी वैसे गई जिससे जिसका वो जिनका वो पैशन था, you know? तो somewhere I felt peaceful looking at it. I don't know, I felt कि उनका सोल उस काम से इतना प्यार करता था कि वो काम करते करते ही he lost his body, but his soul was still there. I felt bad because Sidhu Moosewala यार, like you know, I used to, मैंने उसके वो shows भी देखे, where I, you know, really used to love, वो हमेशा वो एक चीज करते थे, वो ऐसे काम उठा के ये करते थे, and I used to feel के यार, I really love this guy, and you know, obviously मुझे पंजाबी नहीं आती थी समझ में, पर दोस्तों से मैं पूछता था कि यार व्हाट इज दिस मीन, व्हाट इज दिस, उनका वो जो गाना है ओल्ड स्कूल ठेठ पंजाबी वाले का, हां मेरे को मजा आता था यार, मैं गाड़ी में वाइब करता था वो गानों पे, सो आई रियली लव, ऑफ कोर्स अभी भी करेंगे, बट ऑफ कोर्स हिज सॉन्ग्स आर गोना स्टे अलाइव, ही इज गोना स्टे अलाइव इन आवर हार्ट्स, बट